हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मॉडर्न मिलेनियर का क्वेश्चन आंसर, है ना। क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और चलते हैं। और फर्स्ट जो है, आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। जो हमने किताब पढ़ी है, स्टोरी पढ़ी है ना, उसका एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्या है एक्सट्रैक्ट, आइए उसको देखते हैं। कम टू मी माई बॉय वेन यू हैव 10,000 pounds ऑफ योर ओन एंड वी विल सी अबाउट इट। तो मेरे लड़के, मेरे पास तभी आना जब तुम्हारे पास 10,000 pounds हो खुद का, और उस समय हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो ये है एक्सट्रैक्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम। ये सारी बातें किसने और किससे कही। तो हम लोग जानते हैं ये सारी बातें किसने कही। द रिटायर्ड कर्नल फादर ऑफ लॉरा मॉर्टन सेड दीज वर्ड्स टू हुई एस्काय। और ये सारी बातें जो है रिटायर्ड कर्नल, जो कि लॉरा मर्चेंट के पिता हैं, उन्होंने ये सारी बातें कही। और किसे कही, तो हुई एस्काय से ये सारी बातें की गई। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज इट रेफर टू। यहाँ पे जो इट आया है, ये जो हम इसके बारे में बात करेंगे तो क्या बातें हैं। व्हाट डज इट रेफर टू, आंसर होगा इट इज रेफर टू मैरिज ऑफ लॉरा एंड हुई। तो ये जो इट है, ये इट आया है मैरिज के लिए, और मैरिज किसके किसके बीच, तो लॉरा एंड हुई के बीच। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द बॉय नीड टू हैव 10,000 pounds। लड़के को 10,000 pounds क्यों चाहिए। तो आंसर होगा, द बॉय हु इज गाइन नीडेड 10,000 pounds फॉर गेटिंग मैरिड टू द डॉटर ऑफ कर्नल लॉरा मर्टन। तो लड़के को, जो कि नाम है हुई एस्काइन, इसे 10,000 pounds की आवश्यकता है ताकि ये जो कर्नल है, है ना, कर्नल की बेटी लॉरा मर्टन से विवाह कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का जो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मिजरेबल ही लुक्स। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, हाउ मिजरेबल ही लुक्स सेड हुई, बट आई सपोज टू यू पेंटर इज His face is his fortune। कितना दयनीय स्थिति दिखने में लग रहा है, है ना, कितना बेचारा है। उस गरीब बेगर को देखते हुए हुई जो है ये कहता है, बट आई सपोज टू यू पेंटर्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम जैसे निर्दयी पेंटर्स के लिए, है ना, उसका चेहरा जो है तुम लोगों के लिए फॉर्चून है। और पहला क्वेश्चन है, हु इज बींग रेफर्ड टू इन दिस लाइन्स। ये सारी बातें जो है, जो मिजरेबल्स कहा गया, किसे कहा गया, and describe his appearance, और उसके appearance को describe करना है। So the answer will be, the old beggar is being referred to in these lines। और ये सारी बातें old beggar के बारे में बताई गई थी। और जहाँ तक उसका appearance की बात है, the beggar was old, his face was like wrinkled parchment with piteous expression। और उसका चेहरा जो था wrinkled parchment, parchment होता है ना मोटा, अगर ये कह सकते हैं paper, उसको अगर मोड़ दिया जाए तो जिस तरह से रिंकल्ड पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसके चेहरे पर रिंकल्ड पड़ गई थी। तो ये एक प्रकार का सिमली है जो कि राइटर ने यूज किया, लाइक रिंकल्ड पार्चमेंट विथ पीटीएस एक्सप्रेशन, और उसके चेहरे पर देखकर दया आ जाए, इस प्रकार का एक्सप्रेशन था। ओवर हिज शोल्डर्स वॉज अ टैटर्ड कोर्स ब्राउन क्लॉक। और शोल्डर मतलब होता है कंधा, और कंधे के ऊपर टैटर्ड फटे चित्रे, कोर्स मतलब मोटा, ब्राउन मतलब भूरा, क्लॉक मतलब कोट। तो उसके कंधे के ऊपर मोटा भूरे कलर का फटा चित्रा एक कोट था। एंड इस थीक बूट वर पैस्ट, और साथ ही साथ उसने थीक बूट पहने हुए थे। विथ वन हैंड ही लीन्ड ऑन अ रफ स्टिक, एक हाथ से तो उसने स्टिक पकड़ा था, रफ स्टिक, और दूसरे हाथ में वाइल विद द अदर हैंड अदर ही हेल्ड आउट हिज बैटर्ड हैट फॉर आर्म्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज हिज फेस हिज फॉर्चून, क्यों उसका फेस जो है औरों के लिए फॉर्चून था या उसका फॉर्चून था। बिकॉज द पेंटर विल गेट मनी, नेचुरली पेंट करने के बाद उस पेंटर को इसके पैसे मिलेंगे, और लोग जो है पेंटिंग में क्या देखेंगे, उसके चेहरे को देखेंगे, और इसलिए उसका चेहरा ही जो था पेंटर्स के लिए फॉर्चून था। तो बिकॉज द पेंटर विल गेट मनी फ्रॉम द पेंटिंग ही हैड मेड यूजिंग द मॉडल एज अ बेगर फेस, so it was the beggar face which would fetch him fortune। next question hai, who was hui speaking to, hui kisse baat kar raha tha, what was this person doing at that time, aur us samay ye vyakti kya kar raha tha।
हुई वॉज स्पीकिंग टू हिज फ्रेंड एलन ट्रेवर, हुई जो है अपने फ्रेंड एलन ट्रेवर से बात कर रहा था। एलन ट्रेवर वॉज गिविंग फिनिशिंग टचेस टू हिज लाइफ साइज पोर्ट्रेट ऑफ अ बेगर, और एलन ट्रेवर जो है फिनिशिंग टच दे रहा था, है ना, किसका, लाइफ साइज, एकदम 6-7 फुट का, जो जितने व्यक्ति लंबा होता है उतना ही लंबा वो पोर्ट्रेट तैयार कर रहा था, और वो पोर्ट्रेट किसका था, एक बेगर का, एक भिखारी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज हिज रिप्लाई टू हुई क्वेश्चंस, और हुई के क्वेश्चंस पर उसका क्या जवाब, तो एलन ट्रेवर ने क्या जवाब दिया, तो एलन ट्रेवर रिप्लाइड दैट नो वन वांटेड अ बेगर टू बी पोर्ट्रेट हैप्पी, कोई भी यह नहीं चाहेगा कि एक बेगर को जो है हैप्पी, खुश दिखाते हुए हम उसका पेंटिंग करें, तो कोई नहीं कर देगा, लोग जो है जब बेगर को देखेंगे कि बिल्कुल पीटीएस वे में है तभी जाकर उसकी कीमत लगेगी, उस पेंटिंग की कीमत लगी, और लोग उसे सजाकर अपने घर में लगाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड में आ गए थर्ड स्ट्रैक्ट। थर्ड स्ट्रैक्ट क्या दिया हुआ, इट नेवर एंटर्ड माई माइंड दैट यू वेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स इन दैट रेकलेस वे, मेरे दिमाग में यह ख्याल ही नहीं आया कि तुम जो इस तरह से भीख मारते फिरोगे, है ना, बिना सोचे समझे। Besides, I didn't know whether Horsburgh would like his name mentioned. और मैं ये नहीं जानता Horsburgh चाहते नहीं होंगे शायद, या चाहते होंगे कि उसका नाम mentioned किया जाए, इसलिए उसने mentioned नहीं किया। तो who is the speaker? Where was he at that time? Speaker कहाँ पे था जब ये सारी बातें हो रही है, तो speaker कहाँ पे था, है ना, और speaker कौन है ये बताना है। आंसर होगा एलन ट्रेवर इज द स्पीकर, एलन ट्रेवर जो कि ह्यूई का मित्र है वो स्पीकर है। एट दैट टाइम ही वाज इन पैलेटे क्लब, और इस समय वो कहां पे था, पैलेटे क्लब में था जिस समय बातें हो रही थी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज इट आयरनिक दैट द पर्सन स्पोकन टू डिस्ट्रीब्यूटेड आर्म्स इन अ रेकलेस वे, ये आयरनिक क्यों है, उपहास करने लायक क्यों है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आर्म्स, भीख देता फिर रहा है इन अ रेकलेस वे, ये आयरनिक क्यों है। इसका आंसर होगा इट इज आयरनिक बिकॉज हुई हिमसेल्फ वॉज प्योर, सॉरी पुअर, तो आयरनिक इसलिए है कि हुई हिमसेल्फ जो है वो गरीब था, वो खुद गरीब था, लोगों को भीख मार रहा है ना, खुद उसके खाने के पैसे नहीं है, खुद उसके पास कुछ नहीं है और लोगों को बांटते फिरेगा, तो यही है सबसे बड़ा उपहास का कारण, है ना। सो इट इज आयरनिक बिकॉज हुई हिमसेल्फ वॉज पुअर अनएम्प्लॉयड एंड अ सोवरेन ओनली, और उसके पास क्या था, एक ही सोवरेन था, एंड दैट But even to that, he had given the sovereign to the beggar without thinking about himself. लेकिन उसने वो sovereign जो उसके पास एक ही सिक्का था, वह भी उसने क्या किया? उस भिखारी को दे दिया बिना कुछ अपने बारे में सोचे हुए। Next question: Why do you think Horsburgh didn't want his name to be mentioned? आपको क्यों लगता है? क्या लगता है कि Horsburgh ने अपना नाम क्यों नहीं बताया? Why? तो Horsburgh didn't want his identity to be mentioned. Horsburgh ये नहीं चाहता था कि उसकी जो identity है वो mention की करे, because it was his fantasy to be dressed in a beggar. क्योंकि उसका fantasy था, एक बहुत दिली इच्छा होती है कि वो beggar बनके अपना portrait बनाए, तो उसी तरह से उसने किया, in the same manner. Moreover, he wanted to know about the person who had given him the arms. और साथ ही साथ वो यह जानना चाहता था कि वो व्यक्ति कौन है जिसने मुझे भीख दिया, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। और नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें क्या दिया हुआ देखते हैं। फोर्थ स्ट्रैक्ट है, यू माइट हैव टोल्ड मी सेड ह्यूई सल्कली एंड नॉट लेट मी सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ। यू माइट हैव टोल्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे, है ना, ह्यूई जो है वो रूट कर गया था और मुझे इस तरह की असमंजस में नहीं पड़ना पड़ता, मुझे बेवकूफ नहीं बनना पड़ता, यू कुड हैव टोल्ड मी। और पहला क्वेश्चन है हु इज हुई स्पीकिंग टू, हुई किससे ये बात कर रहा है, और आंसर होगा हुई इज स्पीकिंग टू हिज फ्रेंड एलन, हुई जो है अपने फ्रेंड, अपने मित्र एलन ट्रेवर से बातें कर रहा था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैड दिस पर्सन जस्ट टोल्ड हिम, और इस पर्सन ने क्या बताया, तो दिस पर्सन हैड जस्ट टोल्ड हुई दैट द ओल्ड बेगर वॉज बैरन Horsburgh, है ना। एलन ट्रेवर ने क्या बताया, एलन ट्रेवर ने बताया कि वो भिखारी, एक्चुअली भिखारी नहीं बल्कि बैरन Horsburgh है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप, है ना, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, जितने भी रिचेस्ट मैन है उनमें से एक
बैरन हॉसबर्ग है, ही कुड बाय ऑल लंडन टुमारो, और वो कल के कल ही वह पूरा का पूरा लंदन खरीद सकता है। ही हैड अ हाउस इन एवरी कैपिटल, और प्रत्येक कैपिटल में उसका एक घर है। एंड डाइंड ऑफ गोल्ड प्लेट्स, और वो सोने की प्लेट में खाना खाता है, तो इतना अमीर है। ये सारी बातें एलन ट्रेवर ने अपने मित्र हुई को बताया। नेक्स्ट, व्हाई डिड हुई फील दैट ही हैड मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, हुई को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि वह खुद बेवकूफ बन गया। हुई फेल्ट दैट ही मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड गिवन आर्म्स अ सोवरेन नॉट टू अ बिगर बट टू अ मिलेनियर। तो हुई को लग रहा था उसने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी। क्यों? क्योंकि उसने जो भीख दी थी, है ना, एक सोवरेन एक सिक्का, वो किसी भिखारी को नहीं बल्कि एक मिलेनियर को दिया था, है ना, बहुत ही अमीर व्यक्ति को दिया था। इसलिए उसे अपनी मूर्खता पर बहुत ही पछतावा हो रहा था, दुख हो रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड में जो है आंसर द क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस आंसर से, और फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज हुई एर्स्काइन, हुई एर्स्काइन कौन था, व्हाट वेयर द ग्रेट ट्रूथ ऑफ मॉडर्न लाइफ दैट ही नेवर अंडरस्टूड, और वो ग्रेट ट्रूथ जो सबसे बड़ी जो सच्चाई है ना मॉडर्न लाइफ की, आधुनिक जीवन का, वो नहीं जानता था, वो क्या है, वो कौन सी सच्चाई है, इस बारे में बताना है। तो आंसर होगा हुई एर्स्काइन इज अ पुअर अनएम्प्लॉयड गुड लुकिंग चार्मिंग फेलो विथ क्रिस्प ब्राउन हेयर अ क्लियर कट फेस एंड ग्रे आईज। ही वॉज पॉपुलर एंड हैव एवरी एबिलिटी एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी। तो हुई एर्स्काइन गरीब, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार, गुड लुकिंग, है ना, देखने में अच्छा खूबसूरत लड़का था जिसकी हेयर जो थे वो क्रिस्प ब्राउन और ग्रे आईज थी, और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन इसके बावजूद भी वो सब कुछ, हर कुछ एबिलिटी था उसके अंदर, लेकिन पैसे कमाने की जो एबिलिटी होती है वो उसमें नहीं थी। और जो ग्रेट ट्रूथ है ऑफ मॉडर्न लाइफ दैट ही नेवर अंडरस्टूड वेयर लव इज द प्रिविलेज ऑफ रिच, प्रेम जो है वह अमीरों के लिए है, नॉट फॉर द अनएम्प्लॉयड, न कि बेरोजगारों के लिए, है ना। द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल, और जो गरीब है, द पुअर मतलब गरीब लोगों को प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, उन्हें जीवन कैसे जीना है उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, न कि प्रेम के बारे में सोचना चाहिए। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, और सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड हुई ट्राई टू अर्न मनी, तो हुई ने क्या क्या किया पैसे कमाने के लिए, है ना। सो द आंसर विल बी हुई हैड ट्राइड एवरी पॉसिबल वे टू अर्न मनी। ही हैड वर्कड इन स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 months। हुई ने हर संभव प्रयास किया पैसे कमाने के लिए, उसने स्टॉक एक्सचेंज में भी 6 महीने के लिए काम किया। He had also been a tea merchant. फिर वो tea merchant भी बना for a little longer, कुछ समय के लिए। Ultimately, he had no any profession. और अंततः मौजूदा दौर में उसके पास कोई भी जॉब नहीं है। What is the third question? And the third question is, how did Alan Trevor's appearance contrast with his work as a painter? तो Alan Trevor का appearance और उसके काम दोनों में बहुत ही भिन्नता है, बहुत ही कह सकते हैं अंतर है, है ना, क्या है वो हमें बताना है। इसका आंसर होगा एलन ट्रेवर वाज रफ फेलो विथ फ्रेकल्ड फेस। एलन ट्रेवर का जो था वो बहुत ही रफ फेलो था, फ्रेकल्ड फेस था, देखने में भद्दा था, एंड अ रेड रैग बियर। लेकिन ठीक इसके विपरीत उसका काम उतना ही ज्यादा अच्छा था जितना देखने में वो बदसूरत था, उससे कहीं ज्यादा उसकी खूबसूरत काम थी। Although he was not so good looking, but his painting were in great demands. लेकिन उसके पेंटिंग्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा डिमांड में थे, as his picture were masterpiece. क्योंकि उसके जो पिक्चर्स बनते थे मास्टरपीस बनते थे, एक एक पिक्चर जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर बनता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, और पहला सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है What did he do when he saw the beggar? What was the latter reaction? So, what did he do?
क्वीन ने क्या किया जब उसने बेगर को देखा, और लेटर, लेटर मतलब बाद वाला, दैट मींस बेगर का रिएक्शन क्या था, भिखारी का रिएक्शन क्या था? और आंसर होगा व्हेन ही सॉ द बेगर, जब ह्यूई ने बेगर को देखा, ही कुड नॉट हेल्प इट हिम, ना वो अपने आप को रोक नहीं पाया, उसका हृदय जो था दया से भर गया, ही वॉज सो काइंड हार्टेड, ही चेक्ड हिज पॉकेट टू सी व्हाट मनी ही हैड, और उसने अपने पॉकेट को टटोलना शुरू किया, देखना शुरू किया कि उसके पास क्या है, वो क्या कुछ वो उसको दे सकता है, उस भिखारी को देखकर उसकी मदद कर सकता है। ही हैड ओनली अ सॉवरेन एंड सम कॉपर्स, उसके पास केवल एक सॉवरेन और कुछ कॉपर्स थे। ही थॉट, उसने सोचा द बेगर नीडेड द मनी मोर देन हिमसेल्फ, और उसे एहसास हुआ कि शायद इस भिखारी को पैसे की ज्यादा आवश्यकता है मुझसे, मुझे जितनी आवश्यकता उसे कहीं ज्यादा इस भिखारी को पैसे की आवश्यकता है। सो ही वेंट टू हिम, और इसलिए वो उसके पास गया, एंड गेव सॉवरेन टू बेगर्स हैंड, और उसने वो सॉवरेन जो था भिखारी के हाथों में दे देता है। द लैटर मतलब द बेगर मूव्ड सडनली आउट ऑफ सरप्राइज, वो तो अचानक से सरप्राइज में हो जाता, आश्चर्यचकित हो जाता, अरे ये क्या हो गया, एंड स्माइल फेंटली, और हल्का सा मुस्कुराहट करता है, और इतना ही नहीं उसने हुई को धन्यवाद भी दिया, एंड थैंक हुई फॉर द सॉवरेन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड हुई वॉन्ट टू हेल्प द बेगर फर्दर, और क्या करना चाहता था बेगर को हेल्प करने के लिए? आंसर होगा हुई वॉन्टेड टू हेल्प द बेगर फर्दर बाय ऑफरिंग हिम हीप्स ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एंड रैग्स विच ही हैड एट होम एज द बेगर रैग्स वेयर फॉलिंग टू बिट्स। हुई चाहता था उस बेगर को और ज्यादा मदद करना, वो चाहता था ऑफर करना, उसके घर में बहुत सारे कपड़ों का ढेर, रैग्स थे है ना, जो कि उसके घर में पड़े थे, क्योंकि उसने देखा बेगर के जो रैग्स थे, वो जो भिखारी के जो रैग्स थे, वो बिल्कुल चित्रे चित्रे हो गए थे है ना, बिल्कुल फट चुट गए थे, और इसलिए वो चाहता था उस भिखारी को और भी ज्यादा उसकी सहायता कर पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट आउट अ सिमिली इन द स्टोरी एंड एक्सप्लेन इट, तो वो सिमिली निकालना है ना, हम लोग पढ़ चुके थे क्या, वो ओल्ड मैन का जो फेस है कंपेयर किया गया था किसके साथ, रिंकल्ड पार्चमेंट के साथ, तो दैट इज द सिमिली। तो आंसर हो जाएगा द राइटर यूजेस अ सिमिली टू डिस्क्राइब द फेस ऑफ द बेगर द ओल्ड मैन हु वाज मॉडल फॉर ट्रेवर, जो कि मॉडल बना था ट्रेवर के लिए। द सिमिली इज, और वो सिमिली क्या, अ फेस लाइक रिंकल्ड पार्चमेंट, और वो सिमिली था अ फेस लाइक रिंकल्ड पार्चमेंट। It means that the skin of old man face is like wrinkled stiff paper. बढ़ते हैं next slide, और next slide में जो हमारा 7th number question है, explain the line. बहुत important question है, explain the line. Millennial models are rare enough. जो millennial models होते हैं, वो बहुत ही rare हैं, है ना? But model millennials, लेकिन जो model millennials हैं, are rare still. ये तो और भी ज्यादा rare है आज के दौर में. तो इस sentence का क्या अर्थ निकलता है? The answer will be, millennial models are rare enough. But model millennials are rare still means one may find a model who is a millennial. किसी को मॉडल मिल सकता है जो कि मिलेनियर हो, है ना, ही कैन एक्ट एज अ मॉडल, बिकम अ एक्टर, है ना, लाइक मिलेनियर जो था वो मॉडल बना था बेगर के रूप में, तो इस तरह से कोई भी मॉडल बन सकता है जो कि मिलेनियर हो। बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड अ मिलेनियर हु कुड बी अ रोल मॉडल, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट है जो कि एक मिलेनियर है और एक रोल मॉडल बनता हो पूरा सोसाइटी के लिए, जो कि समाज सेवा करता हो, दैट इज गुड एंड जेनरस, जो कि अच्छा हो, बहुत ही जेनरस हो, दयालु हो, लोगों की मदद करने वाला हो, लाइक बैरन हर्सबर्ग, हु यहाँ पे हु होना चाहिए था, हु हेल्प्ड हुई एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी, और जो कि एग्जाम्पल बना पूरे समाज के लिए, है ना। और इसी के साथ ये अंक यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज टू सब्सक्राइब इफ येट नॉट सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी अपकमिंग वीडियोज आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे, है ना। फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।